आज है मार्च का महीना 23 तारीख। कल जो है मैं जा रहा हूँ अपने घर वापस। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था फ्लाइट से, तो इस बार मैं जा रहा हूँ बाय ट्रेन। तो आज है 24 मार्च, जो है मेरी एक्चुअल जर्नी का अंतिम। एक बैग मेरा ये है, एक बैग वो रहा, ऑलमोस्ट सब सामान पैक है। ऑलमोस्ट 1 या 1.5 बजे मैं यहाँ से निकलूंगा और मेरी ट्रेन जो है वो है 4:30 के आसपास। सब सामान तैयार हो गया और मेरे पास टिकट भी आ गई है, जो कि ऑलमोस्ट 4 घंटा पहले आई है ट्रेन की जर्नी से। तो अभी मैं अपने कमरे को छोड़ रहा हूँ और निकल रहा हूँ यहाँ से। ऑलमोस्ट 3.5 महीने बाद यहाँ से अभी जा रहा हूँ। यहाँ से सारे स्विच ऑफ, घर जा रहा हूँ मैं, आऊंगा 1-2-3 महीने बाद। बाय बाय। एग्जैक्टली 4:50 में मेरी जो ट्रेन चलेगी यहाँ से और मुझे पहुँचाएगी कल 10 बजे के आसपास। और मे बी यार एग्जैक्ट टाइम तो होता नहीं यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 10-11 तो बज ही जाएंगे। फिर वहाँ से मेरी ट्रेन है 2 बजे के आसपास टू चंडीगढ़। जो आप बस देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये है गवर्नमेंट की एसी बस, जो कि ऑलमोस्ट हर जगह से हावड़ा के लिए डायरेक्ट आती है। यहाँ पे शायद ये जो सामने सबवे दिख रहा है, इसके थ्रू आप अंदर जा सकते हो। हाँ यही है। वैसे तो इतना भारी बैग लेके चलना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे भीड़ देख सकते हो आप, कितनी ज़्यादा भीड़ है इधर। पर प्लेटफॉर्म पता नहीं मेरे को कौन सा प्लेटफॉर्म, मेरा शायद प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जहाँ पे राजधानी लगेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा ही रेलवे स्टेशन है, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा यहाँ पे मतलब क्या कहाँ पे ट्रेन लगेगी और किधर से जाएगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ इंक्वायरी में, इंक्वायरी से पूछते हैं कि किधर है मतलब ये रेलवे स्टेशन का सीन, क्योंकि मैं पहली बार हावड़ा पे आया हूँ। इससे पहले मैं सियालदह से गया हूँ, मोस्टली सियालदह रेलवे स्टेशन, एक और बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। ये सामने आ गया है पूछताछ का केंद्र। मैम ये राजधानी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस है, 9 नंबर प्लेटफॉर्म। तो अभी मेरे को पता चला है कि यहाँ पे एक्चुअली ना 2 स्टेशन है, एक पुराने वाला एक नए वाला। तो जो ट्रेन है वो पुराने वाले पे ही 9 नंबर पे लगेगी। तो फाइनली मैं अभी रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ और एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि तो कहाँ से मैं ट्रेन पकड़ूँ। तो अभी जो है मैं रेस्ट हाउस में आया हूँ, यहाँ पे 50 रुपये में 1 घंटे के लिए आप बैठ सकते हैं, एसी वाला रूम है। तो ये हमारी ट्रेन आ चुकी है और अभी एसी 2 टायर की बोगी चल रही है, मुझे नहीं पता मेरे वाली किधर होगी। H2 है, पता नहीं H1 है शायद, मैं चेक करता हूँ अभी। लेकिन जो हमारी बोगी होती है वो H1 वाली होती है और आप सामने मुझे देख सकते हैं खड़ा हुआ। ये इधर मैं खड़ा हूँ, ये है फर्स्ट एसी, इनमें से एक बोगी मेरी होगी। ये तो H2 है और वो पीछे आ रहा है H1। तो फाइनली मैं आ गया हूँ अपने बॉक्स में और बाय लक और बाय चांस वी कैन से कि मुझे कूप मिला है जिसमें सिर्फ 2 सीटें होती हैं, जैसे एक ये एक ये। आप देखो यहाँ पीछे दरवाज़ा भी है और सब में ये तकिया वगैरह सब मिलता है, चादर, और सिर्फ 2 सीटें और यहाँ से बाहर का नज़ारा। और देखो पूरा एक कैबिन मिलता है, यहाँ पे लगी है कुछ पिक्चर। तो अभी जस्ट मैं इसको फटाफट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कोई आ ना जाए, क्योंकि अभी तो मतलब मोस्टली एक बंदा तो मेरे साथ होगा ही, अभी मैं हूँ अकेला। और एक चीज़ और, यहाँ पे वो जो मिट्टी की खुशबू नहीं आती, जैसे भीगी हुई मिट्टी में पानी लगा देते हैं वैसी खुशबू आ रही है, जैसे कि अभी अभी इसको क्लीन किया हो पूरा। ये ऊपर चढ़ने के लिए आपको ये मिलते हैं यहीं पे, आपको लाइट के स्विचेस और ये है चार्जिंग सॉकेट, जो साइड दोनों के लिए अलग अलग मिलता है। सामान टांगने के लिए यहाँ पे है पर्दा, ये है डोर जिसको हम ऐसे खोल सकते हैं, और ये है लॉबी। चलिए आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियो में, ये 6 सीटें साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं, ऐसे होता है मतलब क्रमांक जो होता है।
बट यहाँ पे आपको पूरा ऐसा खुला एक पर्सनल कैबिन मिलेगा। यहाँ पर आराम से एक पूरी सीट है, देखो यहाँ पे आप पूरा आराम से बैठ सकते हो। ये जो सीट रहती है वो डेडिकेटेड रहती है 2% को सिर्फ, ठीक है। उसके अलावा इस कैबिन में और कोई भी नहीं आ सकता है। पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है और मेरा लक अच्छा है कि मुझे कूप मिला है। फर्स्ट एसी में दो टाइप की सीट्स रहती हैं, एक तो मतलब जिसमें चार सीटें होती हैं, जैसे यहाँ पे दो हैं वैसे ही सामने दो होती हैं, तो ऐसा पूरा कैबिन रहता है। जो दो सीटों वाला था उसको बोलते हैं कूपे। तो अभी आपको कैबिन का ओवरव्यू तो मैंने दिखा दिया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बाहर। और यहाँ से बाहर जाके ये हमारा स्टेशन, ये यहाँ पे है, अच्छा लग रहा है वैसे। ये वॉशरूम, ओवरव्यू है, ये क्या है? आई थिंक ये एक्स्ट्रा चार्जर है और ये शायद चेंज होना चाहिए। वाह, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब मोटा है ये। तकिया है यहाँ पे। मैंने एक्चुअली हर जगह पे हर टाइप के सफ़र किया है ट्रेन में अभी तक, जस्ट एक बजा है वो है सेकंड क्लास एसी। वो मैं करूँगा कभी टाइम मिलने पर, बट सेकंड क्लास एसी इज़ मच सिमिलर टू द थर्ड क्लास एसी। इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैंने एक जनरल डिब्बा होता है जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता, आपकी कोई सीट कंफर्म नहीं होती, आप कहीं भी बैठ सकते हो। दूसरा होता है स्लीपर क्लास, जिसमें आपको सीट अलॉट होती है, जस्ट आपको एक सीट मिलेगा और कुछ नहीं उसके अलावा, ना ही खाना, नथिंग। और इस फाइव और उसके बाद होता है थर्ड एसी, और उसके बाद होता है सेकेंड एसी, देन आता है फर्स्ट एसी। तो अभी मैंने फर्स्ट एसी किया, जस्ट सेकेंड एसी मुझे बचा है। थर्ड एसी मैंने किया है 2019 में, जब मैं यहीं सियालदा रेलवे स्टेशन से अपने दिल्ली जा रहा था दुरंतो एक्सप्रेस में, तो वहाँ मैंने किया था थर्ड एसी। तो एग्जैक्टली 4:50 पे ट्रेन निकल चुकी है। हमारे शीशे पे पता नहीं क्या धूल जमी है, जिसकी वजह से बाहर का जो व्यू है अच्छा मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। और ये शायद साफ़ होने चाहिए, अगर ये शीशा साफ़ होता तो आपको ये सनसेट बड़ा ही अच्छा दिखता इस टाइम पे। यहाँ के जो अभी बटलर है वो ये टेबल लगा के गए, देखते अभी क्या लेके आएंगे। वैरायटी में आपको आलमंड्स है, ये समोसा है सर, सैंडविच है, स्वीट्स में सर लड्डू है, और ये सर टी के लिए हमारे लिए इवनिंग का स्नैक्स दे के जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं भैया का। आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या था। बादाम रखते हैं साइड में, लड्डू रखते हैं साइड में, कॉफ़ी, ये चाय के लिए शायद कप देखे गए हैं, समोसा है, ये आई डोंट नो चाय कॉफ़ी, शायद ये दूध पाउडर है, दैट्स टी, दैट्स चम्मच है शायद इसके अंदर, चीनी, समोसा और सैंडविच। अभी बंदा जो है गर्म पानी लेके आएगा चाय के लिए, तो आपको देख ऐसे पूरा सर्व करके दिया जाता है विद रनिंग ट्रेन। तो अभी इसको फिनिश करके मैं रात में बात करूँगा। अभी जो ट्रेन है ऑलमोस्ट 1:30 पे चल रही है। इवनिंग स्नैक्स लेने के बाद अभी मैं थोड़ा आराम फरमा रहा हूँ यहाँ, और बाहर देखने का तो मूड नहीं, और जैसे कि मैं रात को सोया नहीं हूँ ढंग से, तो अभी मुझे नींद भी आ रही है, तो बस अब मैं लेट के थोड़ा अपना मोबाइल ही चला रहा हूँ। तो देखते हैं, मिलते हैं आपसे डिनर में। ट्रेन भाग रही है बड़ी तेज़ी से। मेरी ट्रेन को निकले 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, और 2 घंटों में 200 किलोमीटर कवर कर चुकी है, और आसनसोल का स्टेशन छोड़ चुकी है मेरी ट्रेन। तो आसनसोल से अभी थोड़ी देर में हो जाएंगे बिहार में एंटर, पर ऑलमोस्ट प्रॉपर सब टाइम से चल रही है ट्रेन, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचा देगी। तो यही वो जगह है जहाँ पे गैंग ऑफ वासेपुर शूट हुई थी, धनबाद एरिया, हमारे फैजल भैया का एरिया है ये। ट्रेन जो है टाइम से पहले चल रही है, मतलब अभी इसका टाइम यहाँ धनबाद पहुंचने का था ऑलमोस्ट 7:55, ठीक है, तो 7:55 तो जस्ट अभी हो रहे हैं। मेरा डिनर भी आ गया है, और डिनर मतलब ऐसा कटलरी में आया है, यूजुअली मतलब ये वो डिस्पोजेबल प्लेट्स रहती हैं उसमें आता है। डिनर जस्ट एवरेज था, कुछ मतलब ऐसा कुछ खास नहीं था। उसके बाद इन्होंने दिए आइसक्रीम। अभी मैं खुद अभी जस्ट लाइट ऑफ करके सोने वाला हूँ, क्योंकि अभी मुझे खुद नींद आई है, मैं रात को भी सो नहीं पाया हूँ ढंग से, और अपना सामान लॉक कर देता हूँ, सामान एक बार लॉक करके और दरवाज़ा लॉक करके आराम से सोते हैं। तो अभी हम मिलेंगे सुबह में। गुड मॉर्निंग गाइस, फ्रॉम द नॉर्थ साइड तो ऑलमोस्ट सभी स्टेशन क्रॉस हो चुके हैं, और अब आने वाला है दिल्ली, ये आएगा 10 बजे ऑलमोस्ट, और अभी बजे हैं 6:45। तो
सूरज निकल चुका है, पर वही प्रॉब्लम है कि रात में फिर से नींद नहीं आई, क्योंकि सारे दिन यू नो जंप कर रही थी, जब लास्ट में जब ट्रेन बहुत तेज चल रही थी। पर अभी यहाँ पे एसी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और अभी मैं बाहर ब्रश करके आया तो बाहर का मौसम भी नो ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ये एसी बंद नहीं हो सकता है आई गेस। आ चुका है ब्रेकफास्ट, कुछ ऐसा है, आई थिंक ये है ब्रेड टोस्ट, ये कैरॉग्स, केला बनाना मतलब, बाकी और तो कुछ ज़्यादा खास दिख नहीं रहा है यहाँ पे, वही चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट आ गई है नोएडा, और अभी मेघालय से सिर्फ 10 या 15 किलोमीटर बाकी है पहुँचने में दिल्ली। और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं दिल्ली में क्या करूँगा, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट ट्रेन है वो है 2 बजे, और ये 10 बजे अप्रॉक्सीमेटली पहुँच जाएगी दिल्ली। तो मैं सोच रहा हूँ अगर वहाँ मुझे लगेज सबमिट करने का कोई ऑप्शन मिला तो मैं लगेज सबमिट करके या तो बाहर घूमूंगा, या फिर मैं वहीं पे बैठ के वेट करूँगा जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था जब मैं गोवा से आ रहा था। और ये सामने कोई ट्रेन खड़ी थी, अभी ये स्लो स्लो जाएगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक। मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ दिल्ली, और सामान भी मैंने पैक कर लिया है, जूते वगैरह पहन लिए हैं, और अब उतरने का टाइम है थोड़ी देर में। काइंड ऑफ बोरिंग था, मुझे नींद भी नहीं आई पूरी रात, तो बस ऐसे ही जागते जागते निकल गया। और अभी मुझे 2 बजे तक और वेट करना है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। 2 बजे मेरी नेक्स्ट ट्रेन है यहाँ से, तो अभी हम इस ट्रेन को डीबोर्ड करते हैं और मिलते हैं हम आपको स्टेशन पे।